ये नात्मा बुद्ध यतात्मैव परत्वे नैव चापरम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। सिद्धात्मा को नमन। एक कालजय ग्रंथ के गूढ़ श्लोकों के अर्थ और उनकी सटीक व्याख्या आज से लगभग 1600 साल पहले आत्मवेत्ता के महान आचार्य पूज्यपाद की महान रचना समाधि तंत्र। आचार्य पूज्यपाद ने मन के पटल पर छा जाने वाले समूचे व्यक्तित्व को बदल देने वाली इस रचना का हिंदी अनुवाद आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहिब के विद्वान शिष्य श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री श्री श्री मुनि जी महाराज साहिब ने प्रस्तुत किया है। समाधि तंत्र, समाधि शतक, आचार्य पूज्यपाद के इस ग्रंथ का स्वाध्याय हम इन 11 दिनों में विशेष रूप से करेंगे। आचार्य पूज्यपाद जो बहुत ही उच्च कोटि के आचार्य हुए हैं, उनके पाद चरण में देवता स्वयं आकर के स्तुति करते थे, भक्ति करते थे, आराधना करते थे, तो इससे वो पूज्यपाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्हीं का एक छोटा सा ग्रंथ समाधि शतक विशेष रूप से आत्मा को केंद्रीभूत बना करके आत्मा को परमात्मा कैसे बनाना, आत्मा में छिपे परमात्मा को कैसे प्रकट करना, उसकी अवस्थाएं क्या क्या है, साधक उन अवस्थाओं को समझे, उन अवस्थाओं में होश बनाए रखे और कहीं पर भी इधर उधर वह अटक ना जाए, उसके लिए आचार्य ने बहुत ही सुंदर व्याख्या और श्लोक बनाए हैं। उसका परायण, उसका चिंतन मनन हम स्व पर कल्याण के लिए करेंगे। अल्पश्रुतम श्रुतवतम परिहासे धाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलाम यत्को किल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिका निकरे कहेत। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधां त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलां यत्को किल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिका निकरे कहेत। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलां यत्को किल किल मधु मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिका निकरे कहेत। आचार्य समाधि तंत्र की शुरुआत में फरमाते हैं, येन आत्मा बुद्ध्यातात्मैव परत्वेनैव चापरम अक्षया अनंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जो आत्मा के आत्मस्वरूप में और आत्मा से इतर अथवा पर को इतर अथवा पर रूप में जानते हैं, यानी आत्मा को आत्मरूप में और आत्मा को छोड़कर जितना भी पर है, इतर है, उसको पर रूप में जानते हैं, उन अनंत ज्ञान स्वरूप अविनाशी सिद्ध आत्मा को मैं पूज्यपाद नमन करता हूँ। अरिहंत और सिद्ध प्रभु को जो नमन किया है वो किस भाव में किया है कि वो सिद्ध परमात्मा जो आत्मा को आत्मा के रूप में जानते हैं और आत्मा को छोड़ करके जितना भी पर पदार्थ है, इतर पदार्थ है, उसको पर मानते हैं, पर रूप में जानते हैं, उन अनंत ज्ञान स्वरूप, उनमें ज्ञान कितना है, आप में कितना है, आप स्व और पर का भेद जानते हैं, यानी आत्मा को आत्मा मानते हैं और शरीर और शरीर से जुड़े संसार को इतर यानी पर मानते हैं, तो आप में और सिद्ध परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। सो हम, जैसे वो है वैसा मैं हूँ, ये भाव आपको चतुर्मास के शुरुआत से बेसिक शिविर से ही आपको सिखा रहे हैं, अनुभव करवा रहे हैं कि उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं। आचार्य पूज्यपाद ने उस समय में ये वर्णन किया है कि वो भगवान को वंदन भी इसी आधार पर कर रहे कि भगवान आत्मा को आत्मा मानते हैं और पर को पर मानते हैं, और वो परमात्मा कैसे हैं कि अनंत ज्ञान स्वरूप है और वो अनंत ज्ञान प्रत्येक आत्मा में है। इतना अंतर है
किसी का प्रकट हो गया, किसी का बादल के नीचे ढका हुआ है। आकाश में सूर्य आ गया है ना, लेकिन भारत के किसी कोने में, किसी शहर में, किसी जगह पे सूर्य के आगे क्या आ गया, बादल आ गया। और एक दो किलोमीटर के आगे देखते हैं तो बादल नहीं है, वहाँ पे तेज धूप, ये तो अपन हमेशा अनुभव करते हैं। ऐसी कुछ आत्माओं के आगे वो कर्म का बादल आया हुआ है, कुछ का छट गया है, कुछ का पूर्ण छट गया है। सिद्ध भगवान का कैसा हो गया है, पूर्ण रूप से वो कर्म दल उनका छट गया और वे पूर्णता को प्राप्त हो गए। उन अनंत ज्ञान स्वरूप और वे कैसे हैं, अविनाशी। आप कैसे हैं, विनाशी, फिर मिथ्यात्व में जा रहे हैं। आप कैसे हैं, मैंने आपका शरीर नहीं बोला, आप कैसे हैं, आप भी अविनाशी है। आपका शरीर और शरीर से जुड़ा सारा संसार जो आत्मा से इतर है वो कौन सा है, वो विनाशी है। आज तक हमने किसका ध्यान किया, विनाशी का ध्यान किया, अविनाशी की भक्ति भी करी, अविनाशी का जप भी किया, अनिवासी को अविनाशी को पाठ भी किया, लेकिन किस लिए किया, ये विनाशी मेरा शाश्वत रहे, ये विनाशी मेरा ठीक रहे, ये विनाशी से जुड़े हुए जितने रिश्ते हैं, नाते हैं, लोग हैं, उनके पुद्गल का संसार ठीक चले। ये है हमारी मिथ्यात्व की प्रार्थनाएं। अनंत काल से उसी मिथ्यात्व का पोषण करने से हम सिद्ध जैसे होते हुए भी प्रगति न करके विपरीत मार्ग में जा रहे हैं, इसी का नाम मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व को तोड़ करके हमने क्या करना है, अपने अविनाशी स्वरूप को प्रकट करने के लिए प्रत्यक्ष रूप में सिद्ध परमात्मा को भावपूर्वक हम क्या कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। आचार्य पूज्यपाद कहते कि मैं उनको नमन करता हूँ। जब अरिहंतों को नमन करना है, सिद्धों को नमन करना है, तो कौन से भाव से करना है ये आपको समझना है। जब जब भी वंदना करो तो उनके शरीर को वंदना नहीं कर रहे, उन आत्मा की वो अवस्था और मैं आत्मा की अवस्था दोनों एक है। मैं उनको नमन करते हुए अपने आत्मा को भान में आ रहा हूँ। दृष्टा भाव में वंदना करते हैं तो निर्जरा है, दृष्टा भाव में वंदना करते तो निर्जरा है, और बेहोशी में खाली परंपरा पूरी करने के लिए उनके शरीर को ही वंदना कर रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने संत आते हैं, आचार्य महाराज आते हैं, युवाचार्य जी आते हैं और संत आते हैं, आप उनके शरीर को वंदना कर रहे हैं या उनकी आत्मा को वंदना कर रहे हैं, होश में लाना, मुझे बताना नहीं, आप अपने होश में देखना कि आप किसके आगे कितनी बार वंदना करते, किसके आगे कैसी वंदना करते हो, कैसे आगे कैसे निकल जाते हैं। क्यों, कि हम उसके व्यक्तित्व को वंदना कर रहे हैं, उसके शरीर को वंदना कर रहे हैं, उसके अस्तित्व तक जा ही नहीं रहे। तो उससे ऐसी वंदना से क्या होगा, पुण्य लाभ होगा, है ना। लेकिन अगर आप उसकी आत्मा को आत्मा देख करके भावपूर्वक अपनी आत्मा के साथ मिलान करते, वंदना करते हैं, तो भगवान कहते हैं तुम्हारे नीच गोत्र के कर्म क्षय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नीच गोत्र के कर्म क्षय हो जाएंगे और आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ जाएगी। दूसरी गाथा में जयंती यस्यावदातापि भारती विभुतस् विभुत यस्य तीर्थ कृतोप्य निहतु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मे सकलात्मने नमः। न बोलते हुए भी जिनकी वाणी और कोई इच्छा न होते हुए भी जिनकी अन्य विभूतियां विजेता होती है, न बोलते हुए भी जिनकी वाणी और कोई इच्छा न होते हुए भी, इच्छा नहीं है फिर भी जिनकी अन्य विभूतियां विजेता होती है, उन ब्रह्मा, ब्रह्मा की कोटेशन दे दी, ब्रह्मा कैसे हैं कि जिनकी बोलने की इच्छा नहीं है, कोई इच्छा न होते हुए भी सारी विभूतियाँ उनकी शरण में रहती हैं, उनको विजय प्राप्त कर लिया, ऐसा ब्रह्मा, और सुगति को प्राप्त विष्णु, विष्णु कैसे हैं जिसने सुगति को प्राप्त कर ली, और शिव, शिव क्या है, ज्ञान के स्वरूप है, इसलिए शिव की कोई मूर्ति नहीं है, पिंड बनाया, शिव केवल ज्ञान का प्रतीक है। तो आगे का शिव और जिन रूप, शिव जो ज्ञान का प्रतीक है और जिन रूप जो अरिहंत आदि जो इस शरीर में है पर जो पूर्ण रूप से जिन प्रकट हो गए और स शरीर है, पहले किसकी वंदना की, अशरीर की वंदना करके इसमें फिर स शरीर अरिहंत की वंदना की, शुद्ध आत्मा
अरिहंत को भी मैं पूज्यपाद नमन करता हूँ। सिद्ध बनना हमारा लक्ष्य है और अरिहंत हमारे मार्गदर्शक है। तो अरिहंत में इन्होंने साम्य भाव लाने के लिए शब्द पे न अटक करके उसके गुणों का वर्णन किया है। अरिहंत शब्द नहीं है, अरिहंत व्यक्ति नहीं है, अरिहंत आत्मा की वो अवस्था है। जिन्होंने उसको स्पर्श कर लिया उन सभी आत्माओं को हम क्या कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। चाहे वो तीर्थंकर की आत्मा है, चाहे वो केवली की आत्मा है, चाहे वो किसी भी गति में है और वो केवल ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं, चाहे किसी भी मत में है और जिसने राग द्वेष को विजय प्राप्त करके वो दशा प्राप्त कर ली है, उसको हम क्या कर रहे हैं, भावपूर्वक नमन कर रहे हैं। तीसरी गाथा में श्रुतेन लिंगेन यथात्म शक्ति समाहितांत कर्णेन सम्यक समीक्ष्य केवल्य सुख स्पृहाणाम विविक्तमात्मानम थाय धीमधास्ये। मैं पूज्यपाद आत्मा के शुद्ध स्वरूप को, अब आचार्य पूज्यपाद वर्णन करते समय ये नहीं करें कि मैं कर रहा हूँ, मैं पूज्यपाद आत्मा के शुद्ध स्वरूप को शास्त्र के आधार पर जो उन्होंने स्वाध्याय किया, शास्त्र के आधार पर जो उनको समझ में आया और साथ में का अनुमान, परमात्मा की कैसी स्थिति होगी, बहिरात्मा की कैसी, आत्मा की कैसी, उसका अनुमान और एकाग्र मन से अनुभव, जो मैंने साधना की है, खुद ने साधना की है, उससे मैंने जो अनुभव लिया है, उस अनुभव करके अपनी शक्ति के अनुसार जो जिस लेवल को उन्होंने स्पर्श कर लिया, अरिहंत तो पूर्ण नहीं बने लेकिन जिस लेवल को उन्होंने स्पर्श किया है उस आधार पर उन व्यक्तियों के लिए, अब ये ग्रंथ किसके लिए समझ लेना, उन व्यक्तियों के लिए इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूं जिन्हें, आपको क्या चाहिए, दो तरह का सुख है, एक इंद्रिय सुख और एक आत्मा का सुख, शाश्वत सुख। अतिंद्रिय सुख की आकांक्षा है, जिसको शरीर मन और इंद्रियों का सुख चाहिए उसके लिए ज्ञान नहीं है, उसके लिए ये आत्मध्यान नहीं है। जिसको अतिंद्रिय सुख, आत्मा से पार जाकर, मन वचन काया से पार, इंद्रियों से पार, मन के पार जो अनंत सुख है, उसके लिए ये ज्ञान है। जो आचार्य पूज्यपाद कह रहे हैं, मैं अब उस पर चर्चा करूंगा, ये उनको समझ में आएगा, संसारियों को समझ में नहीं आएगा। जो आज सुबह मैंने वहाँ पे स्वाध्याय में चर्चा की थी, सुबह की क्लास जो हमारी प्रतिदिन चलती है, अरिहंत को जपना सरल है या अरिहंत बनना सरल है, तो सब लोगों ने कहा अरिहंत जपना सरल है, बनना कठिन है। फिर हमने उल्टा किया इसको, चिंतन यही है, हमने कहा बनना सरल है, जपना कठिन है। कैसे जपना कठिन, इसलिए कि जब जब आप जपते हो, जपने के बाद कौन सा सुख मांगते हो, अतिंद्रिय सुख मानते हो, इंद्रिय सुख मानते हो, जब इंद्रिय का एक सुख पूरा हो जाता है फिर दूसरी माला किसके लिए करते हो, ये सुख तो पूरा हो गया, भगवान आपकी बहुत कृपा हो गई, अब मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई, इसकी प्रार्थना वो पूरी हो गई, तीसरी चौथी अंत काल से ऐसी प्रार्थना करते हुए आपकी अनेक भवों में आयु पूरी हो गई, अनेक भवों में आयु पूरी हो गई, लेकिन आपकी इच्छा कामना तृष्णा खत्म, इस मिथ्यात्व के चक्रव्यूह में आप फंसते जा रहे हो, जप करके बदले में कामना पूर्ति की मांग करते हो, और वो भी कौन सी, इंद्रियों के विषयों की और मन के लिए, इस जुड़े आत्मा के इतर पर संसार की कामना करते हो, कामना पूर्ति होती है, ऐसी बात नहीं है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो कामना करोगे वो पूर्ति होगी, तो इतने बड़े तीर्थंकर भगवान की भक्ति कर रहे हो तो तुम्हारी कामना पूर्ति नहीं होगी, ऐसी बात नहीं, वो तो होगी, तुम्हारी कामना से वो पूर्ति हो रही है, लेकिन तुम मिथ्यात्व के चक्रव्यूह में पड़ करके बार बार ऐसी कामना लेके आते। मैंने एक बार बोला, अनेक लोग हमारे पास आते हैं, हर तरह के आते हैं, शिविरार्थी तो 5% आते हैं, कितने प्रतिशत, 95% में से 80% ऐसे आते हैं जो खाली दर्शन करते हैं, भक्ति करते हैं, आचार्य महाराज आए हैं तो इनकी भक्ति करें और आगे निकल जाते हैं, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं, प्रवचन सुनेंगे, सत्संग करेंगे, 80% वैसे लोग, 10%
15% ऐसे लोग आते हैं जो बेचारे इस संसार में फंसे पड़े हैं और कामनाओं के चक्र में अन्य देवी देवताओं के पास ना जा करके गुरुजनों के पास आते हैं, और गुरुजन करुणा करके उनको कोई माला, कोई जाप, कोई पाठ देते हैं और उनका कार्य हो जाता है, तो वो सारा श्रेय गुरुजनों को देते हैं और फिर हर बार हर कामना पूर्ति के लिए कहाँ आते हैं। अब गुरु करुणा करके एक बार दे दिया, बार बार वही मांगते हैं। अब वो उसको बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसकी इच्छा क्या हो गई कि मैं बस भगवान के पास जाऊं और आशीर्वाद लूं, मेरे बेटे, मेरे तो काम हो गया, अब मेरे बेटे का काम हो जाए, मेरी बहू का काम हो जाए, मेरे बच्चे का काम हो जाए, मेरा ये हो जाए। हर बार ऐसे अनेक लोग हैं, हम उनको करुणा करके समझाने की कोशिश करते पर वो समझना ही नहीं चाहते, उनको बस अपनी इच्छा कामना पूर्ति के आगे उनको सोचना ही नहीं आ, हाँ जी कोशिश करेंगे, ऐसा करेंगे करके मीठा बोल के निकल जाते हैं और हर साल हर बार उसी भाव से वापस दर्शन करने आते हैं। अनेकों लोग मैंने देख लिए, शरीर छोड़ के चले गए लेकिन वो आगे की चीज़ नहीं ले पाए। ये मिथ्यात्व का चक्र भी हूँ, हम ही अपने जाल में फंस रहे। अब गुरु भी वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, भगवान भी वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, वो करुणा करते भाई अभी इसका काल नहीं पका, इसका समय नहीं पका, क्या कर सकते। इसलिए आचार्य भगवंत आपको मंत्र, जाल और इन पाठ और तंत्रों में नहीं डालते हैं, क्योंकि एक बार डाल दिया तो तुम्हारी कामना हर बार वही रहेगी। एक बार तुम आत्मा से जुड़ गए और तुम्हारी दृष्टि बदल गई और अतिंद्रिय सुख का स्वाद तुमने चख लिया, तो फिर तुम इंद्रिय सुख और मन के जाल में कभी मत नहीं फंसोगे। समस्या दोनों में आएगी, कर्म दोनों के सामने हैं, एक कर्म क्षय करेगा, एक कर्म बंधन करेगा, एक सम्यक के द्वारा आत्मा से परमात्मा की ओर बढ़ेगा और एक क्या करेगा, वापस रिवर्स में जाकर के मिथ्यात्व के चक्र में पड़ेगा। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत, सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए, तुम केवल 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 आत्मा हो। विचार आएंगे चले जाएंगे, तुम विचार नहीं हो। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक एक शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा तुम हो। और भीतर डूब जाएं, सत्य बीच में डूब जाएं। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखिठम, अहिंसा संयमो तब देवावितंग, नमंग संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा जो अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। गुरुवर तो